हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अखिल रिएक्शन एंड व्लॉग चैनल, जहाँ पे हम ट्रेलर्स का रिएक्शन और कॉमेडी वीडियोस का रिएक्शन करते हैं। आज हम करने जा रहे हैं यवि गुप्ता, जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसकी वीडियो पे ऑफिस, जिसका टाइटल है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो लाइक कमेंट शेयर करके जो बताना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर कर दें, और नीचे कमेंट में बताएं आपको कौन सी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन सी रिएक्शन करें, रिएक्शन वीडियो चाहिए हम उस पर करेंगे। तो चलो आज हम करते हैं यवि गुप्ता के ऑफिस वीडियो की शुरू। तो चलो आज हम चालू करते हैं। मैं दिन भर ये सोचता रहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि लोग मुझे निकाल नहीं रहे। एफर्ट तो मैं पूरा मार रहा हूँ। ऑफिस से कॉल आ रहा है, इतने टैलेंटेड हो, हमारी टीम में काम क्यों नहीं करते। मैंने बोला सर आप ऑफिस आप लोगों में से जॉब कौन कौन करता है, हाथ उठाओ, कोई शर्म की बात नहीं, मेहनत करो, ठीक है। आप लोगों में से वर्क फ्रॉम होम किसका चल रहा है? हाँ देखो, जो लोग तो ऑफिस जाने लगे मुझे उनके लिए ठीक फील होता है, पर जो जिनका अभी वर्क फ्रॉम होम चला उनका लग रहा है क्या सेक्सी लाइफ चल रही है। मैं एक चीज बता दे रहा हूँ, अगर किसी दिन इनको एचआर की तरफ से कॉल आ गया कि ऑफिस आ जाओ, पहले इन्हें मौत आएगी। अब ये इस लायक रहे नहीं कि अपने पैरों पे चल के ऑफिस जा पाए, इनके शरीर का निचला हिस्सा काम करना बंद कर चुका है। इनकी छाती भी निशान पड़ चुका है लैपटॉप। ये दिन भर बैठकर यही चेक करते रहते कि कोविड की नई वेव्स क्यों नहीं आ रही है। दो ही साल की मौज काटनी थी क्या? ये पीठ पे तकिया बांध के काम करने की जो आदत पड़ी हुई है ये जा ही नहीं, तुम्हारी आंखों में हराम पूरी देख पा रहा हूँ। और दोस्तों देखो, ऐसा नहीं कि वर्क फ्रॉम होम में हम काम करना नहीं चाहते, हो नहीं पाता, उसके पीछे रीजन हम काम करना चाहते कंपनी उनको पैसे दे। प्रॉब्लम ये कि इन्होंने ही दिन में 75 मीटिंग्स रख रखी, नॉनसेंस मीटिंग होती है, सुबह 9 बजे एक मीटिंग होती है जिसका एजेंडा है कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं। एंड लाइक आज क्या क्या करने वाले हैं, पिछले 15 दिन से मैंने एक काम को हाथ नहीं लगाया। मैं 12 बजे उठता हूँ, सो के 1 बजे प्रॉपर उठता हूँ। मैं दिन भर ये सोचता रहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि लोग मुझे निकाल नहीं रहे। एफर्ट तो मैं पूरा मार रहा हूँ। ऑफिस से कॉल आ रहा है, इतने टैलेंटेड हो, हमारी टीम में काम क्यों नहीं करते। मैंने बोला सर आप की टीम में ही हूँ। वो बोल रहे हैं हमें पता है, हम पूछ रहे काम क्यों नहीं करते। अच्छा। क्योंकि नहीं हो रहा काम यार, हरामखोरी भी एक चीज होती है ना, मुझसे नहीं होता काम, मैंने अपनी मम्मी को एक्सेल सिखा दिया है। कि कब तक चाय ही बनाती रहोगी माँ, अब वो चाय और एक्सेल दोनों करके ला रही। सुबह 9 बजे एक मीटिंग होती है जिसका एजेंडा है कि आज हम क्या क्या करने वाले, और शाम को 8 बजे वाली मीटिंग में हम ये बता रहे होते कि नहीं कर पाए। कहाँ से कर पाएंगे, पूरा दिन मीटिंग में ही चला गया। और जो सुबह जो मीटिंग है ना, वो तुम्हारे मैनेजर को पता है कि हराम खोर 1 बजे से पहले नहीं उठेंगे, तो उसने अलार्म सेट कर रखा है। वो अलार्म है सुबह 9 बजे मीटिंग, वो अलार्म है सुबह 9 बजे वो पहुंच जाता है कि गाइस कैमरा क्यों नहीं ऑन कर रहे तुम लोग, कर लो ना कैमरा ऑन। उसने खुद कैमरा नहीं ऑन किया हुआ, उसके ऑडियो से फ्लश की आवाजें आ रही हैं, हमारी फटी, ये कैमरा ऑन कर ले। थोड़ी देर में सबका कैमरा ऑन होता है, अचानक से एक बंदा उसमें चिल्ला रहा है कि सर आपने अपने माथे पे तीर का टैटू बनवा लिया, हमें तो पता ही नहीं चला। तो मैनेजर बोला अबे वो कर्सर है अंधे। ये पूरा माउस हिला के चेक कर रहा है। ओह माय बैड, आपका रंग थोड़ा दबा हुआ है ना। आप देखो हमेशा एक स्क्रीन से एक बंदा चिल्ला रहा है कि सर आप म्यूट पे हैं, आवाज नहीं आ रही, म्यूट, वो खुद म्यूट पे है, उसका मुख ऐसे से दिख रहा है बस। और एक स्क्रीन होती है जहां से पता नहीं क्यों बम फटने की आवाज आ रही है, उसका घर पता नहीं कौन सा, ईरान, इराक, गाजा पट्टी में उसका घर है, उसके घर लॉन्चर गिर रहा है। उसको म्यूट करने के चक्कर में तुम मैनेजर को म्यूट कर दे रहे हो, अब मैनेजर अलग चिल्ला रहे। <आगे। laughs>
मैनेजर अलग से कॉल कर बोला, रवि काम क्यों नहीं हो पा रहा? कहाँ से काम हो पाएगा, अभी भी मैं मीटिंग में ही हूँ। हम एक मीटिंग में डिस्कस कर रहे हैं कि दूसरी मीटिंग में क्या करेंगे, हमारा एजेंडा ही नहीं क्लियर हो पा रहा है। एचआर को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं, उसने सबको मेल भेज रखा कि आज मयंक का बर्थडे, चलो पार्टी, चलो चलो, तुम अपना काम धंधा छोड़ के मयंक का बर्थडे मनाने जा रहा हूं। मयंक हमारे ऑफिस का वो एम्प्लॉई है जो पैदा होना डिजर्व नहीं करता। मैंने मेट्रो के नीचे पीटा था मयंक, और मेक श्योर करता हूँ ऑफिस के बाद भी पीटने वाला। ये क्यों है ऑफिस में समझ नहीं आता, ये आता कुछ कुछ करके चला जाता, ये क्या काम करता है, आज कोई रहस्य बना हुआ है। आप पावर बैंक खरीदते हो मोबाइल का बैटरी चार्ज करने के लिए, कुछ पावर बैंक मोबाइल का ही बैटरी चूस लेते हैं, वही है ये क्यों है। ये इंटरव्यू के लिए आया था एचआर पास, एचआर ने बोला मैंक आप कंफर्टेबल हो जाओ, जो तो हटा सकते हैं क्या। हर महीने एचआर से झगड़ा कर रहा है कि जब ज्वाइनिंग टाइम तुमने बोला था कि इतनी सैलरी कैश इन हैंड मिलेगी तो अकाउंट में क्यों भेज दे रहे हो। तो अभी हुई है 5:39 की, इसको हम दूसरे पार्ट में पूरा कंप्लीट कर देंगे वरना वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आपने देखा ऑफिस की आधी वीडियो आपको अगले पार्ट में दिखेगी। पहला पार्ट हमने ऑफिस वाला दिखा दिया है, यवी गुप्ता का, बहुत ही बड़ा कॉमेडियन है, मतलब अच्छी कॉमेडी करता है, ऑफिस भी बहुत बढ़िया चीज़ है, इसके फेस से ही कॉमेडी झलकती है। तो आप इसको जो भी देखें इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको चैनल अच्छा लगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दें, और हमें बताएं कि हम और अच्छी वीडियो कैसे बनाएं। तो आज हम इतना ही करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।